मेरे लिए आज ये बड़ा एक बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था कि मैं वहाँ से रवाज से उठ के मैं यहाँ पे दाल चावल जो मैं खाने आया हूँ यहाँ पे। तो आप ये कोशिश किया करें कि यार स्पेशली जो है ना, अगर वहाँ पे काम करते हैं तो उस चीज़ को रेकमेंड ना किया करें। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है तो उस चीज़ को रेकमेंड किया करें। सेकंड नंबर पे वन ऑफ द मोस्ट रूड ओनर्स मैंने आज तक जो कभी भी नहीं कहीं पे देखे, वो मैंने शाहजी पे देख ली। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट बिलाल और आज हम मौजूद हैं शाहजी फूड G8 पे। मैंने जब अल जजीरा के ऊपर दाल चावल की वीडियो बनाई तब भी मुझे लोगों ने कहा कि आपको शाहजी फूड ट्राई करना चाहिए। मैंने सिक्स रोड पे बनाई तब भी मुझे यही सुनने को मिला। तो मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं, देर है दुरुस्त है, इधर आ जाते हैं, इधर आके ट्राई करते हैं कि इनके हलीम चावल में क्या ऐसी खास बात है जो बाकियों में नहीं है। लेकिन जब मैं इधर आया तो मैंने इधर आके देखा कि इनके पास सिर्फ हलीम चावल नहीं है, डिफरेंट वैरायटी है जिसमें इनके पास अलग से दाल चावल हैं, चने चावल हैं और डिफरेंट कबाब वगैरह है इसके अंदर। चलते हैं इनको ट्राई करते हैं, कोशिश करेंगे कि इतना ही खाएं जितना आपको उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकेंगे। चलते हैं इनके हलीम चावल ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। शाहजी के फेमस दाल चावल, हलीम चावल भी कह सकते हैं, दाल चावल भी कह सकते हैं, उनके मुताबिक एक ही चीज़ें। इनको ज़रा ट्राई करते हैं, थोड़ा सा ऊपर अपना जो है देसी तड़का डाल देते हैं। इसके जैसा कि आपने देखा होगा इसकी तीन लेयर्स बनी हुई थी, पहले उन्होंने दाल डाली, फिर चावल, फिर उसके ऊपर फिर दाल। स्पेशल वे है इनका बनाने का, इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है। बिस्मिल्लाह। ₹260 की ये प्लेट है। देखने में तो आपको ये इन्होंने दिखा दिया कि पूरा बाउल है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। इसमें इतनी क्वांटिटी नहीं है जितने कि आपकी एक प्लेट में क्वांटिटी होती है। दिखा सकूँ अगर ये सिर्फ ये है, बस इतनी क्वांटिटी नहीं है जितनी दिखाने की कोशिश की है। ओवरऑल इसको आप ट्राई करते हैं एक दफ़ा फिर। फर्स्ट बाइट में तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझसे अगर पर्सनली पूछें तो यार मुझे लगता है सिर्फ हाइप क्रिएट की गई थी, कोई इतने ख़ास स्पेशल चावल नहीं है। और मुझे मैसेज भी उन्होंने किया है जो यहाँ पे काम करते हैं, वो भी मुझे बता भी रहे थे कि हमने आपको मैसेज किए थे, कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। इससे बहुत बेहतर आप अपनी गली मोहल्ले से खा सकते हैं। मैं इसको रेट नहीं करना चाहता, बट अच्छा है, ठीक है, काम शाम चल रहा है, चलने दें, एक्सपीरियंस भी बेहतर ही है यहाँ पे। लेकिन बहुत ज़्यादा इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि यार बड़ा बेहतरीन है, मतलब खा के मुझे उस तरह मज़ा नहीं आया। आप खाते रहते हैं, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसको रिकमेंडेशन लिस्ट में डाला जा सकता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यार रिव्यू तो मैंने कर ली है, लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यार अगर आप किसी चीज़ को रेकमेंड करते हैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे किया करें, और स्पेशली अगर आप उस जगह के ऊपर होते हैं, काम करते हैं, तो यार उसको रेकमेंड ना किया करें। मेरे लिए आज ये बड़ा एक बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था कि मैं वहाँ से रवाज से उठ के मैं यहाँ पे दाल चावल जो मैं खाने आया हूँ यहाँ पे। तो आप ये कोशिश किया करें कि यार स्पेशली जो है ना, अगर वहाँ पे काम करते हैं तो उस चीज़ को रेकमेंड ना किया करें। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है तो उस चीज़ को रेकमेंड किया करें। सेकंड नंबर पे वन ऑफ द मोस्ट रूड ओनर्स मैंने आज तक जो कभी भी नहीं कहीं पे देखे, वो मैंने शाहजी पे देख ली। तो यार प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखा करें। आपको पता है कि हम लोग बहुत दूर से और हमने काफ़ी जगहों को कवर करना होता है, प्रायोरिटी लिस्ट बनानी होती है, तो बर मेहरबानी ज़रा सा ख्याल किया करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।